नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। एक बयान आया है आज पूर्व सीएम जीतनराम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा की तरफ से। बयान पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता दानिश रिजवान का है। एनडीए उम्मीदवार की मदद करने की नसीहत चिराग पासवान को दी गई है और ये कहा गया है कि यही उनके पिता चिराग पासवान के पिता रामविलास पासवान को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। बयान के बाद बवाल लाजमी था, बवाल शुरू हो गया है, राजनीति की गर्माहट बढ़नी शुरू हो गई है और चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की तरफ से पलटवार सामने आया है। पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता मीडिया प्रभारी कृष्ण कुमार कल्लू ने कहा है कि जाहिर है इस बयान से एनडीए डर गई है, जेडीयू डर गई है और एनडीए को एहसास हो गया है कि उसके उम्मीदवार की हार निश्चित है। साथ ही पूर्व सीएम मांझी को भी खाना बदोश बता दिया है चिराग पासवान की पार्टी के प्रवक्ता ने। सुनिए क्या कहा है कृष्ण कुमार कल्लू ने। भारत के दूसरे अंबेडकर, पद्म भूषण से सम्मानित हमारे नेता स्वर्गीय रामविलास पासवान बाबूजी की आज पहली पुण्यतिथि पर उन्हें सत सत नमन करता हूं। बिहार विधानसभा उपचुनाव में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के उम्मीदवार की घोषणा के बाद एनडीए में भयभीत का माहौल पैदा हो गया है। खाना बदोश के जिंदगी जीने वाले जीतन राम मांझी जी की पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा जो किस करवट कब लेगा ये कोई नहीं जानता है। नसीहत देना बंद करे और एनडीए इतना डर गया है कि कुछ कहने को नहीं। चिराग की लौ से जनता दल यू पूरी तरीके से राख हो जाएगी। बिहार की जनता ने मन बना लिया है, बिहार के राजनीति से, बिहार के मुखिया और जनता दल यू के बिहार के मानचित्र से हटा देने का बिहार की जनता ने मन बना लिया है। और जीतन राम मांझी जी जो खुद खाना बदोश की जिंदगी जीते हैं, आप किसी पे टीका टिप्पणी करने का कोई हकदार नहीं है। नसीहत देना बंद करे, यही चिराग घर घर को रोशन करेगा। हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी का जो विजन है बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट, इस विजन के तहत मैं बिहार को आगे ले जाऊंगा। तो दानिश रिजवान के बयान पर बवाल है और बवाल लाजमी था। यह तय था कि इस पर रिएक्शन आएगा और बड़ा तगड़ा रिएक्शन आ सकता है चिराग की पार्टी की तरफ से, आ भी गया है। चिराग पासवान के काफ़ी करीबी नेता हैं, पार्टी के प्रवक्ता हैं। कृष्ण कुमार कल्लू ने निशाना साधा है और ये कहा है कि इस बयान से साफ है कि एनडीए डर गया है। इस पूरी खबर में इतना ही, इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।